जय हिंद दोस्तों। सुरक्षा या कार्य की शौक के लिए बहुत से लोग हथियार रखते हैं। खास तौर से एक वक्त था जब लोग राइफल यानी बंदूक लेकर चलते थे, मगर अब लोग छोटी बंदूक रखना ज्यादा पसंद करते हैं। रिवाल्वर और पिस्टल में कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग रिवाल्वर और पिस्टल के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। उन्हें इन दोनों के बीच का अंतर मालूम ही नहीं होता। तो दोस्तों, हमने सोचा कि क्यों ना आज इन दोनों के बारे में आपको फर्क समझा देते हैं। आशा करता हूँ कि हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। और वीडियो शुरू करने से पहले, हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाय दोस्तों, मेरा नाम है सुनील। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि पिस्टल के बारे में। पिस्तौल एक छोटी दूरी की मार करने वाली हैंडगन है, जिसका काफी छोटा बैरल होता है, मतलब 10 इंच से ज्यादा नहीं होता। जाहिर सी बात है कि छोटी है तो पकड़ने में भी आसानी होगी। पिस्टल 3 तरह की होती है, ऑटोमेटिक, सिंगल शॉट और मल्टी चेम्बर। वहीं ऑटो में सेमी ऑटोमेटिक और फुल ऑटोमेटिक शामिल है। पिस्टल में गोलियां मैगजीन में लगी होती है जो ग्रिप के पास होती है। इनमें 8 से ज्यादा गोलियां भरी जा सकती है। इसमें एक के बाद एक फायर किए जा सकते हैं। दरअसल स्प्रिंग के जरिए गोलियां फायर पॉइंट पर सेट होती है। ऐसे में लोडिंग टाइम में समय जाया नहीं होता और फायरिंग की स्पीड भी तेज होती है। आमतौर पर इसकी प्रभावी रेंज लगभग 100 गज की होती है। अब आपको बताते हैं रिवाल्वर के बारे में। दोस्तों, माना जाता है कि रिवाल्वर को 1835 में सैमुअल कॉल्ट ने विकसित किया था। इसका नाम एक रिवॉल्विंग सिलेंडर की वजह से पड़ा है। दरअसल इसमें बंदूक के बीच में एक सिलेंडर लगा होता है, इसमें गोलियां भरनी होती है। आपने गौर किया होगा कि बंदूक के बीच में एक गोल सिलेंडर होता है जो घूमता है, ये ठीक बैरल के पीछे रहता है। इसी सिलेंडर में गोलियां भरी जाती है। आमतौर में इस सिलेंडर में 6 गोलियां भरी जाती है। जब ट्रिगर दबाते हैं तो पीछे लगा एक हैमर गोली पर हिट करता है। एक गोली चलाने पर सिलेंडर अपने आप घूम जाता है और दूसरी गोली बैरल के सामने आ जाती है। ये प्रोसेस इसी तरह काम करता है और इसी को हम रिवाल्वर कहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, एक रिवाल्वर पिस्टल की तुलना में भारी होती है। दरअसल सिलेंडर के कारण रिवाल्वर का वजन बढ़ जाता है। वहीं मिस फायर होने पर कारतूस को रिवाल्वर से आसानी से निकाला जा सकता है, जबकि पिस्टल में थोड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारी यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको सच में अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।